जय हिंद। एटीएम कार्ड का यह मैसेज क्यों आता है दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका अकाउंट है या खुलवाना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि छोटे बड़े काम के लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं। आपको सारी समस्या का समाधान मैं बता दूंगा, लगभग 99% तक, 95% तक सारे समाधान मैं बता दूंगा। आप बोलोगे कैश विदड्रॉल हो जाएगा, कैश जमा हो जाएगा, भैया वो मैं नहीं कर पाऊँगा। मतलब आप समझ सकते हो कि कितने सारे समस्याओं का समाधान मैं बता सकता हूँ। उसके अलावा बहुत समस्या होती है, आप अपना पेट्रोल जलाकर अपना टाइम निकाल कर बैंक जाते हो सिर्फ छोटी सी चीज़ के लिए। अगर मान लो ये मैसेज लाखों लोगों को आया होगा बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया के जो कस्टमर है, हज़ारों लाखों लोगों को ये आया होगा, लेकिन किसी ने पूछने की ज़रूरत नहीं की, पूछने की हिम्मत नहीं की, किसी ने कमेंट बॉक्स में नहीं किया। मेरे कमेंट बॉक्स में आए हैं कई मैसेज, आए करीब 10-15 आए हैं, मुझे व्हाट्सअप किया है, मेल भी किया है कई लोगों ने। लेकिन दोस्तों इतने ही नहीं है, बहुत सारे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको वीडियो बना दिया जाए। हालाँकि पहले भी बनाया हुआ, लेकिन फिर भी सवाल लगातार आते जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये आने का सवाल क्या है, ये मैसेज कब आता है? आप एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करते हो। पहला, जब आप एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो अप्लाई करके बैंक में लेके आ जाते हो। बैंक कर्मचारी उस दिन या अगले दिन या उसके अगले दिन अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में एंट्री करते हैं। एंट्री जब करेंगे उस समय तुरंत ही आपको ये मैसेज आएगा कि भैया आपका कार्ड जो है प्रोसेस कर दिया गया है। योर कार्ड, डेबिट कार्ड लिंक टू अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर की लास्ट 3 डिजिट है, और प्रोसेस कर दिया गया और कार्ड आपके होम एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। ये मैसेज होता है, समझ गए दोस्तों। ये मैसेज ये नहीं होता है कि आप बैंक में जाइए तुरंत कलेक्ट कर लीजिए, ऐसा नहीं है, समझ गए, क्लियर है। तो ये मैसेज आने के 7 से 10 दिन बाद आप बैंक में जाइए, 7 से 10 दिन में आपके एड्रेस पे आ जाएगा। अगर नहीं आता है थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि आपका कार्ड प्रोसेस हो चुका है और अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ सभी बैंकों में। तो आप कुछ समय बाद, महीने बाद जाइए, ये मैसेज आने के महीने बाद बैंक में जाइए। अगर नहीं आता है तो बताइए भाई मुझे ये मैसेज आया हुआ था और अभी तक मेरा ATM कार्ड नहीं आया है। वो आपको अगर रिटर्न हो गया होगा तो उनके एड्रेस पर पहुँचा होगा, वो एड्रेस से आपको निकाल कर दे देंगे उनके पास, अगर बैंक में पहुँच गया होगा ATM आपका। तो अगर ये मैसेज नहीं आता, आप ATM कार्ड के लिए फॉर्म भरा, ये मैसेज नहीं आता है, तो उसके 2 कारण हैं। या तो आपका जो फॉर्म भर के आया हो वो फॉर्म बैंक अधिकारियों ने एंट्री नहीं की है, सिस्टम में नहीं डाला है, पहला कारण। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उन्होंने डाला हो और ये मैसेज आपको नहीं आया हो, क्योंकि आपका जो मोबाइल है उस समय नेटवर्क में ना हो, उसकी वजह से आपको SMS ना आया हो। ये 2 कारण हो सकते हैं कि आपने फॉर्म भर के आया हो और ये मैसेज ना आया हो। तीसरा बार बता दूँ दोस्तों, ये मैसेज आने के बाद अगर आपको बार बार ये मैसेज आ रहा है तो क्या करें। अगर आपके पास पहले से ATM है, उसके बाद भी ये मैसेज आ रहा है, तो समझ जाइए आपका कार्ड, नया कार्ड दूसरे कार्ड के लिए प्रोसेस हुआ है। तो अगर आपके पुराने कार्ड की तारीख देख लीजिए, उसमें अगर वैलिडिटी ख़त्म नहीं हो रही है तो बैंक में जाइए और बताइए भैया मुझे ये मैसेज आया है, मेरा कार्ड नया इशू कर दिया गया, फिर से मैंने कोई कार्ड इशू नहीं करवाया था, इसको ब्लॉक कर दीजिए। ऐसा नहीं करवाएंगे तो नेक्स्ट ईयर, 1 साल बाद, जिस दिन ये मैसेज आया है उसके 1 साल बाद आपके अकाउंट से 177 रुपये चार्ज कटेगा, जिसका जो कि ATM डुप्लीकेट ATM होगा उसका चार्ज कटेगा दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोग को ये सारा वीडियो पसंद आया होगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जय हिंद।